रिहाई और बीसीसीए के नेता को मिला केंद्रीय सुरक्षा कवर। फिर सुर्खियों में आया जौनपुर जिला जेल हत्या के मामले में निरुद्ध बंदी की दर्द से तड़पकर मौत। पूर्व आईपीएस की पोस्ट से पुलिस महकमे में खलबली, भाजपा विधायक ने थाना निरीक्षण पर कसा तंज। सिद्धू बोले खत्म होंगे समझौते, हर हाल में लोगों को देंगे 3 से 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राजनाथ सिंह आज करेंगे कई बड़े कार्यक्रमों का शुभारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी भारती समाचार, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। हमीरपुर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जनपद हमीरपुर में फैक्ट्री अकाउंटेंट से हुई लूटपाट का स्वाट पुलिस ने खुलासा किया है। इंडिया बैंक के बाहर 1,40,000 रुपए की लूट हुई थी। पुलिस ने सिर्फ 1,50,000 रुपए बरामद किए हैं। लूट में उपयोग आए मोटरसाइकिल और देसी तमंचे को भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, वही 1 आरोपी फरार हो गया। 3 जुलाई को थाना कुरारा इलाके में लूट की घटना हुई थी। एसपी ने पीसी कर मामले का खुलासा किया है। जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी एवं फिरोजाबाद ट्रामा सेंटर ब्लड बैंक टीम द्वारा हाईवे रोड स्थित भूड़ा पुल स्थित एक एफएस विद्यालय में गुरुवार को स्वैच्छिक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन कुलपति डॉक्टर दिलीप यादव एवं कुलाधिपति डॉक्टर संजीव भारद्वाज ने फीता काट कर किया। इस मौके पर कुलपति डॉक्टर दिलीप यादव ने कहा कि स्वैच्छिक रक्तदान अत्यंत पुण्य का कार्य है। रक्तदान करने से किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। कुलाधिपति डॉक्टर संजीव भारद्वाज ने कहा कि रक्तदान का सीधा संबंध जीवन दान से है। बैंक की ओर से रक्तदाताओं को डोनर कार्ड एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कॉलेज के स्टाफ के अलावा ट्रामा सेंटर टीम रेड क्रॉस सोसाइटी का स्टाफ मौजूद रहा। यूनिवर्सिटी में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में यहाँ पर कैंसर पीड़ित, थैलेसीमिया और ब्लड कैंसर और जरूरतमंद लोगों के लिए यहाँ पर रक्तदान निस्वार्थ सेवा भाव से करते हुए, और मैं इन सब की इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और ऐसे ब्लड डोनेशन क्लब से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि ये निस्वार्थ सेवा भावना से जो थैलेसीमिया के मरीज हैं, कैंसर पीड़ित हैं, ब्लड कैंसर के रोगी हैं और जो डायलिसिस हैं उनके निस्वार्थ सेवा करने के लिए यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन एफएस यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया। एक बड़े सैनिक प्रयास है ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको निःशुल्क रक्त उपलब्ध हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बरेली में प्रदेश सरकार के भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री और कैंट विधायक राजेश अग्रवाल ने उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर चौपला ओवर ब्रिज का नाम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 16 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि है, इस कारण 16 को इस ब्रिज का नामकरण करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चौपला पुल के बन जाने से लोगों को जाम से मुक्ति मिल गई और बरसों से इसकी जरूरत को महसूस किया जा रहा था, तो भाजपा सरकार ने पूरा किया है। उन्होंने 16 अगस्त को उद्घाटन की अनुमति और नामकरण करवाने की मांग की है। राष्ट्रीय कोषा अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया, दूरभाष पर हुई उप मुख्यमंत्री वार्ता में वर्षों के इंतजार के बाद बरेली शहर को चौपला चौराहे के जाम से निजात मिलने जा रही है। साथ ही पुल के पिलर्स पर श्री अटल जी के जीवन चरित्र को भी दर्शाया जाएगा, जिससे युवा पीढ़ी अटल जी के जीवन दर्शन से रूबरू हो और मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। उस समय मैं दिल्ली से आया, जब आज तो जानकारी मिली कि ये जनता की सेवा के लिए जो पुल बना है, बहुउद्देशीय कहूँगा, बहुत बड़ी आवश्यकता थी इसके लिए। यद्यपि उप मुख्यमंत्री महोदय का जिस समय प्रारंभ में मेरी बात हुआ था, तो ये टोटल एलिवेटेड पुल बनाने की बात थी जिसको केला पुल से जोड़ना था। मेरे को जल्दी हो रही थी, ये था कि किसी भी तरह से जल्दी जो समस्या है उसको दूर करें, तो इस पुल के निर्माण की छोटे के रूप में, और जिससे बदायूं का ट्रैफिक को हम डाइवर्ट करके जहाँ पर एक तरह से रोटरी बनाकर हमको घूमना पड़ता है, उस समस्या का निदान सोचा गया था। और अब ये डिपार्टमेंट ने अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरे करते हुए काफ़ी शीघ्रता दिखाते हुए इसको पूरा किया है। एक और वो भी बधाई के पात्र हैं, दूसरी ओर जनता भी इस कठिन दौर में
जो उसको कष्ट हुआ है, वास्तव में वो भी अपने सुख के लिए हम लोग अनुकर रहे हैं। मैं बधाई देता हूँ अपने बरेली के समस्त वासियों को कि उन्होंने कष्ट सहकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करवाने में सहयोग किया है। तो मैंने सोचा कि 16 तारीख को आदरणीय स्वर्गीय अटल जी का जन्मदिन है, पुण्यतिथि है, और इस पुण्यतिथि के अंदर जो है वो हम क्यों ना इस पुल के लिए उनको समर्पित करते हुए एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में जो है इसको प्रस्तुत करें। मैंने आज सुबह आकर सबसे पहले मथुरा में थे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, उनसे बात किया और उनको रिक्वेस्ट किया कि 16 तारीख के लिए है। वो तुरंत उन्होंने जो है बड़ी सहजता दिखाते हुए इसको स्वीकार करते हुए कहा कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक है और इसको श्रद्धेय अटल जी के इस दिन की यादगार के रूप में इसको करा जाए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि ये जो पुल है इसके अंदर कुछ भित्ति चित्र बनाकर वहाँ पर अटल जी का संदेश जो है उसमें रखा जाए, इससे आने वाले इन युवा पीढ़ियों को कुछ संदेश भी हम दे सकें, आगे की बहुत सारी योजनाएं और भी पूरे करने के लिए रह गई हैं। मैं पुनः एक और अपने माननीय उप मुख्यमंत्री को कि उन्होंने इस दिन के लिए बरेली वासियों को इसको अर्पण किया है, उस स्मृति के लिए मैं बधाई भी देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। मुजफ्फरनगर में थाना खतौली पुलिस ने तमंचे बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। दरअसल पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जंगल में चलाई जा रही एक तमंचा फैक्ट्री पर छापेमारी करते हुए मौके से भारी मात्रा में बने अधबने तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। एसपी सिटी अर्पित विजय वर्गीय ने प्रेस वार्ता करते हुए पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। साथ ही एसपी अर्पित विजय वर्गीय ने बताया कि इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है कि आरोपी किसके कहने पर तमंचे तैयार कर रहा था, कहां ये तमंचे बेचे जाने थे और इस गैंग में कौन कौन लोग शामिल हैं। जैसे ही अन्य नाम सामने आएंगे तो दूसरे आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। ये आप लोगों को बताना है कि थाना कथौली पुलिस ने आज एक अवैध फैक्ट्री का उजागर की है। इसमें इन्होंने एक आदमी को पकड़ा है जिसका नाम मोनू है। ये कथौली का ही निवासी है और अभी तक की जानकारी करने में पता चला है कि ये व्यक्ति पहले भी अवैध शस्त्र के कार्य में संलिप्त था और ये पहले भी जेल इसी चीज़ के लिए जा चुका है और ये पुनः जेल से बाहर निकल के इस कार्य में फिर से संलिप्त था। और कल रात में ही सूचना मिली थी कि ये अभी भी बना रहा है, तो पुलिस ने वहाँ दबिश दी और इसको रंगे हाथों पकड़ा। इसके पास से करीब 10 तमंचे मिले हैं, कुछ अधबने तमंचे भी मिले हैं और जो औजार जो प्रयोग होते हैं तमंचा वगैरह बनाने में वो भी मिले हैं। इससे अभी जानकारी की जा रही है कि ये तमंचा किसके लिए बना रहा था और कैसे कैसे इसको बेचता था, कितने में बेचता था और कौन कौन इसके साथी थे, उसकी जानकारी करके हम उन पर भी आगे कार्रवाई करेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।